औरतों में जो जिनसी मसाइल होते हैं, नंबर एक डिज़ायर की कमी या ना होना, नंबर दो इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, दर्द होना, नंबर तीन लुब्रिकेशन ना होना ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और चौथे नंबर पे होता है कि फीमेल को ऑर्गेज्म नहीं होता, वो फारिग नहीं होती उनको, वो जो एक्सट्रीम प्लेजर ड्यूरिंग इंटरकोर्स दैट इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो ऑर्गेज्म या क्लाइमेक्स वो नहीं अचीव करते। इसके अलावा एक वेजिनिस्मस प्रॉब्लम होता है फीमेल में कि वो इनवॉलेंटरली जो वजाइना के मसल्स और थाइस को कंट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता। तो अलाज से ये जितने भी डिज़ायर के इश्यूज, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के इश्यूज और लुब्रिकेशन के और ऑर्गेज्म के, ये ठीक हो जाते हैं। ये जो वेजिनिस्मस है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नॉन कंजुमेटेड मैरिज में 80%, 70-80% जो मेरे रिसर्च पेपर्स में मेरी फाइंडिंग है, उसमें फीमेल को भी एसोसिएटेड वेजिनिस्मस होता है। कुछ को तो शुरू में ही होता है शादी से पहले, लेकिन कुछ को शादी के बाद ये डेवलप होता है, क्योंकि फर्स्ट नाइट पे सबको ये डर होता है कि पेन होगी, ब्लीडिंग होगी, और जब वो नहीं होता तो वो फियर बार बार अटेम्प्ट से वो फियर बढ़ के वो वेजिनेसमस की शक्ल इख्तियार कर ले। इलाज से ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती हैं।